हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग दिस इज़ सुमी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, वैसे काफ़ी देर पहले हो चुकी है। अभी बज रहे हैं 11 और चाय नाश्ता हो चुका है हमारा। और जब मैं सुबह उठी मैंने क्या देखा बताती हूँ आपको। ये है मेरी गाड़ी, बिल्ली ने इसकी ऐसी हालत कर दी है ना, इसको नोचने लग गई, पूरी सीट ख़राब कर दी। आज रात में हम ढकना फिर से भूल गए थे, और ना ढको गाड़ी को तो यही हालत होती है हमारी गाड़ी की। ऐसे ऐसे करके उसने पूरे गाड़ी को नोच दिया। पोर्च में इतनी अच्छी धूप हो रही है, मम्मी ले रही है धूप के मज़े। कहाँ है मेरी मम्मी? ये रही मेरी मम्मी जो फोन चलाते चलाते धूप के मज़े ले रही है। और आज रात में मैंने सोते सोते अपनी गाल नोच लिए, शायद दिख रहा हो आप लोग को। और मुझे जलन हो रही है सुबह से, मुझे अभी समझ आया कि मैंने क्या किया है। इनका कमाल है ये। पानी डालना होगी तो नहीं डाली थी। मम्मी कह रही है मैंने तो उससे कहा था फूल में पानी डालने को और नहीं डाली, इसलिए मम्मी ने मेरे गाल नोच लिए जब मैं सोई थी। हम फिर से हो चुके हैं रेडी, और फिर से हमने टेढ़ी चोटी बना ली क्योंकि हमें सीधी चोटी बनानी नहीं आती। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, तो मैं आपको पहुँच कर दिखाती हूँ कि हम जा कहाँ हैं। फाइनली हम पहुंच चुके अपनी मंजिल पर, और हम आ गए हैं लीली और शुभ के नए वाले घर पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ नए घर की थोड़ी सी फुटेज, अब देखिए। आज यहाँ पे शुरू हो चुका है लेंटर का काम, और इसलिए ढांचा तैयार किया गया है। वैसे तो अभी आपको डिज़ाइन देख के समझ नहीं आएगा, जब ये घर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। ये रही सीढ़ी जिसमें लीली ने मुझे ज़बरदस्ती चढ़ाया था, मैं काफ़ी डर गई थी पर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। लेंटर का काम चल रहा था जिसकी वजह से कहीं कहीं जगह जगह पे पानी टपक रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर ही चली जाती हूँ। वैसे तो ये घर काफ़ी मेहनत से बना है, बाकी रियल मेहनत कहाँ हो रही है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेचारी लिली क्या कर रही है? इन नाजुक कंधों पे जो ये जिम्मेदारी आई है उसको पूरा करने की। और बेचारी इतना सारा काम कर रही है और फाइनली उसने अकेले मेहनत करके ये घर बनाया। गुड जॉब लिली, गुड जॉब। और ये हमारे मौसा जी वर्कर्स को बताते हुए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आओ देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये हमारा घर जो बन रहा है वर्क इन प्रोग्रेस। जब पूरा बन जाएगा तब दीदी आप लोगों को दिखाएगी। और आइए लिली ये क्या है? कोई बात नहीं है, बता दो फिर भी। ये जो है आपको पता नहीं है, मैं और सब मुंह पे रहा करते थे हमारे घर बनने से पहले। अरे मौसा जी आप इधर देखिए, ये हमारे मौसा जी क्या कर रहे हैं? खाना पैक कर रहे हैं। तो खाना खा रहे हैं सबको बना दे।
मत बताना का। जाओ बेटा तीखा मेरे पर मैंने टेढ़ी चोटी बनाई हुई थी, ये तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी होगी। और हम दोनों बच्चे यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा क्या करें। बाकी सारे घर वाले हम दोनों को छोड़ के, हमारे मासूम से कंधों पे घर की रखवाली छोड़ के इस इतने बड़े घर की रखवाली हम दोनों के सर पे रख के चले गए। और क्या करें, क्या खेल सकते हैं अपन, कुछ खेल सकते हैं। बचपन में से खेलते थे ना, उसको अट्ठा बोलते थे। हाँ, बचपन में आप लोग को शायद पता होगा कि अट्ठा होता था, हम तो खेले हैं बचपन में, आप लोग को भी आता होगा। अच्छा, और ये भी बोलते थे इसको खेलने से बारिश आती है, ये मैंने नहीं सुना। बारिश के टाइम पे, बारिश आने से पहले इसको जब खेलते हैं ना तो बारिश आती है, ऐसा बोलते थे गाँव के लोग। अच्छा, तो अब से ये ध्यान रखिएगा, किसी के यहाँ अगर बारिश ना हो तो पहले अट्ठा खेलेगा, उसके बाद बारिश जरूर होगी। क्यों लिली, खाना वाना खाने के बाद वापस से इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, वो भी इतनी तेज धूप में। देर धूप में खड़े रहने के बाद हम निकल पड़े हैं दोनों वापस घर की तरफ, और हम दोनों को बहुत तेज़ प्यास लगी। अपन पानी पियेंगे फिर वापस से आएंगे। काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने सच्ची। हम आ गए घर और आपसे मिलवा, सॉरी, आप सबको मैं मिलवाती हूँ अपनी मासी से, लिली शुभ की मम्मी से। हेलो, बोलो मासी। बताइए कैसा लग रहा है आपको अपना घर बनते हुए देख के? आई एम वेरी खुश। अरे वाह, बहुत सुंदर घर है ना मासी। और जल्दी से इनॉग्रेशन होगा तो आप सबको इनवाइट करेंगे हम लोग, आप सब भी आइएगा। चप्पलों का महल बन रहा है ना, तो आप सबको इनवाइट नहीं करोगे? सबको इनवाइट करेंगे, आइएगा आप सब, आइएगा हमारा घर देखने। तेज धूप से आने के बाद हमें मिला ये, दिखा। थैंक यू मासी, रुको अब ब्लर दिख रहे हो, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काम काफ़ी दोपहर में भी चला था, कितनी धूप थी, कितनी तेज़ धूप थी, और ये अपना काम सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात तक कर रहे हैं। फाइनली इन्होंने अपना काम पूरा किया और लेंटर कंप्लीट हुआ। हाँ जी, मैं मासी के घर से काफ़ी देर पहले ही आ चुकी थी और वहाँ बहुत मज़ा आया। मासी, लिली और मौसा जी की तो खुशी देखने लायक थी, वो सब आप वीडियो में देख ही सकते हैं। काम काफ़ी लंबे टाइम तक चला, सुबह से शाम हो गई थी, शाम से रात हो गई थी, और हमने बहुत ज़्यादा मस्ती भी की लिली और मैंने। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।